Hello friends, welcome to PsArt. I am Lina Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon to get daily videos. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गिव पेज कर्ल इफेक्ट टू फोटो इन फोटोशॉप. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने दो इमेज ओपन कर रखी है. ये मैं टॉप के लिए यूज करूंगी और ये बॉटम के लिए यूज करूंगी. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी. अब मुझे ये टॉप के लिए यूज करनी है तो इसलिए इस इमेज को मूव करना है दूसरे टैब में. तो इसके लिए मूव टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से. अब ऑल्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करेंगे. इस टैब में होल्ड करेंगे और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए यहाँ पे ड्रॉप करेंगे. इसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करेंगे और फिर इसे फिट कर लेंगे इसमें. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे. इसके बाद रेक्टेंगुलर मार्क टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से. अब जहां पे भी पेज कर्ल इफेक्ट देना है आपको वहां पे सिलेक्शन बनाना है. तो मैं यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर पे सिलेक्शन बना दूंगी. ये सिलेक्शन बना दिया. इसके बाद ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे. यहां से आपको फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखना है. अगर आपका नहीं है तो डी की प्रेस करना है तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा. इसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रैग करेंगे. अब इसे डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे. इसके बाद लेयर वन का जो थंबनेल है इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिक्सल्स इसे सेलेक्ट करेंगे. तो आप देख सकते हैं पूरी इमेज पे सिलेक्शन बन गया. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करेंगे और फिर इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और वार्प टूल सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद बॉटम राइट कॉर्नर को हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे. अब हम इसे सेट कर लेंगे यहां से और यहां से भी सेट कर लेंगे थोड़ा और यहां पे इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे. ये ठीक है. इसके बाद यहां पे क्लिक करेंगे. अब इसे डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करेंगे. इसके बाद लेयर वन पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे ओपेसिटी 75% ही रखना है. डिस्टेंस बढ़ा देंगे 20 पिक्सल कर देंगे और स्प्रेड वैल्यू 10% कर देंगे और साइज यहाँ पे 30 कर देंगे और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री कर देंगे. इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे. अब ये कंप्लीट हो गया. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. So friends, I hope you like this video. If you are a new visitor, then please subscribe to this channel and press the bell icon.